जनपद सिद्धार्थ नगर में एसओजी सर्विस लांस व बांसी कोतवाली की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें चले, बांसी कोतवाली के बांसी में क्रिप्टो टेंडर के नाम से एक संस्था चल रही थी, जो लोगों के आधार कार्ड व मोबाइल नंबर की फीडिंग करती थी। उसी का फायदा उठाते हुए संबंधित फर्म के लोग आम लोगों के फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी सिम के जरिए फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर गलत ढंग से पैसे का लेन देन करते थे। पुलिस टीम की पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा क्रिप्टो करेंसी USDT की ट्रेडिंग करते हैं। अपने अकाउंट से पूर्व में ट्रेडिंग करने पर ज़्यादा संख्या में ट्रांजैक्शन व पैसे के कारण बैंक द्वारा पूछताछ की गई थी, जिससे डरकर हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े व्यक्ति से दूसरे के नाम के अकाउंट व सिम कार्ड के खरीदने के लिए संपर्क किया। उसके द्वारा 7,000 रुपये प्रति फर्जी खाता व सिम कार्ड जो दूसरे के नाम से होते हैं उनको ऑनलाइन पेमेंट कर देने पर DTDC कुरियर के माध्यम से औरंगाबाद से भेज दिया जाता था, जिसको हम लोग अपने 3 मोबाइल फ़ोन में लगाकर अनवेरीफाइड व्यक्तियों को क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से 20% अधिक दाम पर सेल करके लाभ कमाते हैं। चूँकि यह खाते 2 से 3 दिन में फ्रीज हो जाते हैं, हम लोग लाभ के पैसों को अपने तथा परिवार के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अलग अलग खातों से ट्रांजेक्शन करने से किसी एजेंसी की नज़रों में नहीं आते थे और हम लोगों को टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से कोटक बैंक के 6 अदद फर्जी बैंक अकाउंट, MyMPN व ATM पासवर्ड, 4,50,000 रुपये नकद, 11 अदद विभिन्न बैंकों के ATM, 5 अदद मोबाइल फ़ोन, 8 अदद चेकबुक, 1 मोटरसाइकिल, 14 अदद विभिन्न कंपनियों के मोबाइल सिम बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। ये SOG टीम और थानावासी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले 2 क्रिप्टो ट्रेडर्स की गिरफ्तारी की है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि DTDC सेंटर है थानावासी क्षेत्रांतर्गत, जहाँ पे कुछ सस्पिशियस डिलीवरी होती है, जिसके आधार पर इनको पकड़ा गया था। इनके पास से जो डिलीवरी जो प्राप्त हुई उसके अंदर 5 सिम कार्ड और 5 बैंक अकाउंट कोटक बैंक इनसे प्राप्त हुए थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और उसमें हम लोग अपने फर्जी बैंक अकाउंट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इनकी ट्रेडिंग होती है वो जो बैंक अकाउंट है 3 से 4 दिन में फ्रीज हो जाते हैं, इसलिए इनको लगातार इस प्रकार के फर्जी बैंक अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए इन्होंने एक व्यक्ति जो इनको टेलीग्राम ऐप के माध्यम से मिला था, वो औरंगाबाद से इनको ये डिलीवरी करता था। इसके आधार पर ये लोग ट्रेडिंग कर रहे थे और इसमें जांच में इनके द्वारा ये फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करना पाया गया, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पास से कुल 6 जो फर्जी बैंक अकाउंट्स हैं उनके डिटेल और पासवर्ड और चेकबुक्स इनके पास से प्राप्त हुए, 8 चेकबुक, 5 मोबाइल फ़ोन, 11 ATM और 14 सिम कार्ड इनके पास से बरामद किए। साथ ही 4,50,000 रुपये नकद इनके पास से बरामदगी की गई। इनके जो विभिन्न बैंक अकाउंट्स हैं उसमें लगभग 60,00,000 रुपये हैं, जिसको भी फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। जिसमें मेन आदमी अब्दुल रहमान है, ये सारी ट्रेडिंग करता था और जब भी इसे अपना पैसा रियल इंडियन मनी में चाहिए होता था तो वसीउल्लाह के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और उसके माध्यम से निकालता था। वसीउल्लाह को भी इसके पूरे इस ट्रेडिंग करने की पूरी जानकारी थी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।